માંગરોળ તાલુકાના વાંકલ ખાતે આવેલ લાઇફલાઇન મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ ખાતે વિનામૂલ્યે દર્દીઓને તબીબી સહાય મળી રહે તે માટે મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। રાજ્યના પૂર્વ મંત્રી ગણપતભાઈ વસાવાની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલ આ મેડિકલ કેમ્પમાં તજજ્ઞો તબીબો દ્વારા વિવિધ રોગના દર્દીઓની ચકાસણી કરી તેમને દવા આપવામાં આવી હતી। प्रश्न नेजा हेठ वाकल गाम में लाइफलाइन मल्टी स्पेशियालिटी हॉस्पिटल निर्माण कर संचालन ट्रस्ट द्वारा कर ट्रस्ट द्वारा संचालित हॉस्पिटल में तमाम सुविधाओं खूब राहत दर्दी आप मेडिसिन विभाग सर्जरी विभाग महिला रोग माटेनी ट्रीटमेंट प्रसूति विभाग दात विभाग जनरल ऑर्थो हाड़का विभाग आँखनी तपास फुल टाइम फिजिशियन फुल टाइम एमडी गायनेक लेबोरेटरी रेडियोग्राफी सोनोग्राफी तेमज एक्सरे सहित की सुविधाओं उपलब्ध करवामां आवी छे। सूरत तेमज आजूबाजू विस्तार नामांकित डॉक्टरों अहीं समयांतरे आवे छे नियमित आवे छे मेडिकल ऑफिसर फूल टाइम आए थे एने लीधे आ विस्तार में अमे आईसीयू की सुविधा सहित हॉस्पिटल शुरू करी है। तेज प्रमाण सोनोग्राफी और एक्सरे की सुविधाओं पर रेडियोलॉजिस्ट की हाजरी में करे फूल टाइम एमडी और फूल टाइम गायनेक ने कारण आ विस्तार की महिलाओं ने तेमज अन्य मानदीदी पीड़ाता लोगों ने संपूर्ण समय माटे सारवार मळी रहेशे। दिवस रात हॉस्पिटल चालू रही है अने आजूबाजूनी विस्तार की जनता आनो विपुल प्रमाण में लाभ ले एवी अमे सौने अपील करी छे। समग्र गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष श्री सी आर पाटिल साहेब अने माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल साहेबना सीधा मार्गदर्शन हेठ भारतीय जनता पार्टी द्वारा आदिवासी विस्तार अने एससी समाज की जो वस्ती है एवं विस्तारों में मेडिकल कैम्पो मोटा प्रमाण में आयोजित करवामां आवेल छे। एना ज भाग स्वरूपे आज भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर सेल द्वारा वांकल मुकामें आ मेडिकल कैम्पन आयोजन करवामां आवेल छे। एना कैम्पनी अंदर आ विस्तार माथी अनेक दर्दीओ आ मेडिकल कैम्पनो सारवारनो लाभ मेळवी रह्या छे। अहीं बाळकोना पण निष्णात डॉक्टरो आव्या छे महिलाओना पण छे एक प्रकारे जनरल डॉक्टर पण एमडी तरीके आव्या छे दांतना डॉक्टर आँखना सारवार आ बधी ज प्रकारनी सारवारो निःशुल्क प्रमाणे અહીંથી આજે સમગ્ર દિવસ દરમિયાન આપવામાં આવી રહી છે ત્યારે આ વિસ્તારના અમારા કાર્યકર્તા ડૉક્ટર યુવરાજસિંહ પાર્ટીના મહામંત્રી ભાઈ શ્રી દીપકભાઈ સંજયભાઈ અને આ હોસ્પિટલના તમામ ટ્રસ્ટીશીઓનો આભાર માનું છું કે આટલું સુંદર સેવાકીય કાર્ય ગરીબો માટે મધ્યમ વર્ગના લોકો માટે આજે આયોજિત કર્યું છે। તો સમગ્ર દિવસ દરમિયાન આ વિસ્તારના લોકો આ વિસ્તારના પેશન્ટો એનો પૂરેપૂરો લાભ મેળવે એવી હું આજના તબક્કે વિનંતી કરું છું।